बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मन्ना खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना खान व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ और आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों को वीडियो देने वाला हूँ, तो उसके लिए सॉरी क्योंकि मैं इतने दिन वीडियो नहीं डाल पाया। और अब से आप लोग को हर दो दिन पे जो मेरा रूटीन था वैसे ही आप लोग को वीडियो मिलेगी। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बता नहीं सकता हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और इस साइड में देख ही सकते हैं, यहाँ पे पहले मैं आप लोग को इधर से एम्स दिखाता लेकिन अब यहाँ पे बिल्डिंग बन गई है तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगा। ये एक्चुअल में ट्रेनिंग सेंटर है हॉस्टन करके, तो अगर आप लोग यहाँ पे आके पता करना चाहते हैं तो पता कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इन लोग का सिलेक्शन है, तो आप लोग आके यहाँ पे देख सकते हैं। और रहा सवाल आप गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में इन कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। कई जगह पे मेट्रो का काम स्टार्ट हो गया है, कई जगह पे रोड चौड़ी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। खासकर आपका मेडिकल कॉलेज और जाइए तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि मेट्रो का काम स्टार्ट है। मैं नौका विहार की तरफ गया था अभी एक दिन पहले, तो वहाँ पे रोड चौड़ा करने का काम स्टार्ट है। तो आज मैं आप लोगों को वही दिखाने वाला हूँ कि नौका विहार की तरफ मैं गया था। तो खैर बिना समय गवाए चलते हैं और आपसे आप लोग को डेली तो नहीं हर दो दिन पे जो मेरा रूटीन था वैसे ही आप लोग को वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलते हैं बिना समय गवाए और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वहाँ पे कितना कुछ चेंजेस हुआ है और गोरखपुर की और भी जो वीडियो है जल्दी ही आप लोग को मिलती रहेंगी कि क्या क्या गोरखपुर में चेंजेस हुए हैं इतने दिनों में। तो चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त नौका विहार से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ मेन गेट से उसके, और यहाँ पे देख ही रहे हैं, यहाँ पे रोड चौड़ा होने का काम स्टार्ट हो चुका है। ये सब देख ही रहे हैं, ये पूरा रोड चौड़ा होगा। हो सकता है ये जो रेलिंग है ये रेलिंग के थोड़ा सा उधर भी जाएगा रोड, तो काफ़ी ज़्यादा ये रोड चौड़ा होने वाला है। यहाँ पर जितनी भी दुकानें वहाँ पर लगती थी उन सबको हटा दिया गया है, तो ये सभी लोग यहाँ पर लगा रहे हैं अभी फ़िलहाल में। और ये दुकानें अब यहाँ पर नहीं रहेंगी क्योंकि रोड पूरा वहाँ तक जाने वाला है। एक साइड में आपका 4 लेन होगा, तो समझ ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रोड चौड़ा होने वाला है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में आपको ईंटे के ब्लॉक भी दिख रहे होंगे, ये सब अभी लगेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी चेंजेज होने वाले हैं यहाँ पे नौका विहार पे। तो हम लोग चलते हैं आगे और मैं आप लोग को आगे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आगे देख ही रहे हैं, यहाँ पे JCB अपना काम भी कर रहा है और यहाँ पे माटी निकाली जा रही है। तो ये पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये माटी निकाल के आगे ये लोग रोड बुरावर करने में डाल रहे हैं और यहाँ पे हो सकता है अंडरपास या कुछ ऐसा कुछ होगा अब, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी रोड चौड़ा करने के लिए ये सब माटी निकाल के बुरावर किया जा रहा है। देख ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कि बदलाव हो रहे हैं। और यहाँ पर आगे कुछ बिल्डिंग भी बन गई हैं नई नई, जो कि मुझे नहीं मालूम है किस चीज़ की हैं। ये पूरा रोड यहाँ पे चौड़ा करने के लिए ये सब माटी यहाँ पे भरा जा रहा है। तो हम लोग चलते हैं आगे और मैं आप लोग को और आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे माटी बराबर की गई है, वहाँ से जो माटी निकाल रहे हैं लोग यहाँ पे लाके उसको डाला जा रहा है कि रोड के बगल में ये पूरा बराबर हो जाए यहाँ पे, तो रोड यहाँ पे बन सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे देख ही रहे हैं, यहाँ पे भी JCB चल ही रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कि रोड चौड़ा होने वाला है, जो कि पहले यहाँ पे जाम भी लगता था, अब रोड चौड़ी होगी तो जाहिर सी बात है जाम भी नहीं रहेगा उतना। तो चलते हैं हम लोग आगे और मैं आप लोग को और आगे दिखाता हूँ। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह इधर, क्योंकि एक तरफ से जो रोड है राइट साइड वाली जो रोड है उधर से आने वाली, उस रोड को ब्लॉक किया गया है। सारी गाड़ियाँ इधर ही से आ रही हैं क्योंकि उधर लोग टहल रहे हैं, तो मैं आप लोग को उधर का नहीं दिखा पाऊँगा नज़ारा, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और ये जो पोल लगे हुए हैं, इन पोलों में आज मैंने पहली बार सुना कि यहाँ पर साउंड भी है इन पोलों में। ये तो आप जानते ही हैं ये वाटर पार्क था, इन पोलों में पूरा साउंड लगा हुआ है जिसमें गाने बज रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ये पहले से था लेकिन मुझे नहीं मालूम था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें गाने बज रहे हैं। मैं आया तो मैं काफ़ी देर तक देखता रहा कि यहाँ पे गाना कहाँ बज रहा है, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इन पोलों का।
और यहाँ पे जो रोड चौड़ी हो रही है, मुझे लग रहा है जो वहाँ पे गड्ढा खोना जा रहा था वो गड्ढा एक्चुअल में शायद हो सकता है मेट्रो के लिए खोना जा रहा हो, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है मेट्रो का स्टेशन टाइप में बैठाने के लिए, क्योंकि नौका विहार काफ़ी पॉपुलर जगह है तो वहाँ पे हो सकता है स्टेशन एक रहे। तो अब देखा जाए अब आगे क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि बाकी जगहों पे तो रोड बनेगी और लेकिन वहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो पूरी गहराई की गई है वो उसी लिए की गई है। और वहाँ से जो दुकानें हटी हैं अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सब दुकानें आ गई हैं, तो काफ़ी मतलब कि चेंजेस हो गए हैं यहाँ पे। आपको नौका विहार के पास थोड़ी कम दुकानें दिखेंगी। तो चलते हैं आगे और मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो मेन गेट है इधर घुसने का वहाँ पे कैसा है। यहाँ पे देख ही रहे हैं गाड़ी है जो कि आपका रोड साफ कर रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब देख के कि गोरखपुर में कितना कुछ चेंज हो गया है। और आज का मौसम भी देख ही रहे हैं, मौसम काफ़ी मतलब बदला हुआ है। अभी हल्का फुल्का बूंदा मतलब भी हुई है, बारिश भी हुई है, तो पता नहीं आगे मौसम कैसा रहेगा। तो मैं ज़्यादा देर तक रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मोबाइल भीगने का चांस भी है, क्योंकि बारिश अचानक हो गई तो मेरा मोबाइल भीग जाएगा। और यहाँ से उस साइड में आप देख ही सकते हैं पूरा का पूरा जो आपका रामगढ़ ताल है इसके चारों तरफ हो सकता है रिंग रोड टाइप में बनाई जा रही है। तो हो सकता है कि वो रिंग रोड ही हो, मुझे एक्चुअल में कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन देखने में तो लग रहा है कि पूरा रिंग रोड है जो कि रामगढ़ ताल के पूरा किनारे किनारे रहेगा, जो कि पूरे गोरखपुर के कह लीजिए कि किनारे रहेगा। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा वो, कई जगह पर तो उसका काम स्टार्ट ही हो गया लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि उसके रिंग रोड ही कहेंगे कि क्या चीज़, लेकिन दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि रिंग रोड है। और ये यहाँ का मेन गेट जो कि एंट्री वाला है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है। और सुबह का टाइम है तो कोई खास भीड़ भी नहीं है और ट्रैफिक लाइट अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ऑरेंज ब्लिंकिंग कर रहा है तो मतलब कि अभी ट्रैफिक लाइट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम लोग चलते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे देख ही सकते हैं यहाँ पे पूरा पुलिस चौकी का जो काम था, मतलब पुलिस चौकी यहाँ पे थी वो हट गई है, तो काफ़ी अलग दिख रहा है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।